लब्बैक लब्बैक उनके खिलाफ, लब्बैक लब्बैक उनके खिलाफ रसूल अल्लाह, हमने जो प्रोटेस्ट रखा था, लब्बैक लब्बैक दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो किया नहीं, गिरफ्तार करो, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया, यूएपीए के तहत गिरफ्तार करो, ये जमहूरियत का कत्ल है, ये जमहूरियत का कत्ल है, ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन हम उसी को फिर विरोध दर्ज कराने अब हम दिल्ली थाने आए हैं। कल भी हमने डीसीपी से जो हमें लेटर दिया, हमने फिर एसीपी से मुलाकात की और हमने उनसे कहा कि सर अगर लोकतंत्र में अगर आप हमारी आवाज भी दबाओगे, बोलने भी नहीं दोगे, तो फिर ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तब उन्होंने कहा ठीक है, कुछ लोग आइए आप और हमारे थाने में आकर आप अपना ये दर्ज कराइए। तो आज हम अपना मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और एलजी को देंगे और हमारी वाजे तौर पे मांग ये है कि वो दो लीडरान जिनकी गलती को तस्लीम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया और एक को एक्सपेल किया है, आखिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन दो लोगों की वजह से पूरी दुनिया में हलचल है, पूरी दुनिया में मुल्क की बेइज्जती हो रही है, शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, आखिर दिल्ली पुलिस उनके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रही है, उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? तो हमारा जो खास मुतालबा है वो ये कि ये वो दो लोग जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इनको अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट भी यूएपीए में किया जाए। जब मासूमों को यूएपीए में डाल सकती है दिल्ली पुलिस, तो ये दो तो वो गुनहगार हैं जिन्होंने मुल्क की इक्तसादी, मुल्क की शबी और ख़ास तौर से पूरी हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के दिल आज़ारी की है, इसलिए इनको यूएपीए के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सलीम साहब, बीजेपी की तरफ से बयान आया कि हमने उनके ऊपर कार्रवाई करी है जो फ्रिंज एलिमेंट है, गिरफ्तारी करो। देखिए, किसी भी नेशनल पार्टी जिसकी हुकूमत हो उसका नेशनल स्पोक्स पर्सन और वो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बॉडी का मेंबर भी हो, वो फ्रिंज कैसे हो सकता है? दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है, ये एक एम्बेसडर ने कही है जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है? जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करे। दूसरा जो अभी सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी से भी हैं, लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। तो हमारा आज अभी अपना प्रोटेस्ट हमारा जारी है। हमने चूंकि बहुत 4-5 हज़ार पब्लिक हमारे यहाँ इकट्ठी होनी थी, हमने सबको रात को ही मैसेज कर दिया था कि हमारी प्रोग्राम ये इन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी है, इसलिए हमारे खास जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं और हम अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराएंगे और ज्ञापन भी देंगे। क्या आप ये मानते हैं कि जो देश के अंदर इसी तरह इनको बोल रहे हैं अपने शब्दों को वापस लेने के लिए कह रही है, शब्दों को वापस ले लेती हूँ बिना किसी शर्त के, उसको लेकर क्या मन में चल रहा है? देखिए, आप मुझे बताइए, ये देश संविधान से चलता है या कानून है? कोई आदमी गलती करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। इन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैं भी अपशब्द बोल दूं तो मेरे खिलाफ यूएपीए के और जने कौन कौन सी कड़ी एनएसए लगा दिया जाएगा? कुछ मासूमों जरा सारी अगर लोकतांत्रिक अधिकार में अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ यूएपीए लगाकर बरसों से वो जेल में पड़े हुए हैं। और ये जो दो लोग हैं जो इनको पूरी दुनिया कह रही है कि ये मुजरिम है, पूरी दुनिया इस बात को कह रही है, पूरे दुनिया के तकरीबन 20 से ज़्यादा मुल्कों ने हमारे एम्बेसडर्स को बुला कर सम्मन करा है, उनको बाकायदा डिमार्च किया है और उनसे पूछा है कि आखिर ये देश उसके बारे में माफ़ी मांगे। तो ऐसी बात जिस पर पूरी दुनिया में उबाल है तो आखिर दिल्ली पुलिस उनको क्यों बचा रही है? क्यों नहीं उन्हें यूपीए के अंडर में बंद किया जा रहा? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही?
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि इस वक्त सर, क्या माफी का भी कोई है जिस तरीके से अपने शब्दों को वापस ले रहे, क्या माफी के लिए? देखिए, माफी कोई चीज नहीं होती है। बात यह होती है कि जिसने जुर्म किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको जेलों में बंद किया जाए और उन्हीं सख्त धाराओं में बंद किया जाए जिस तरह से और दूसरे लोगों को बंद किया जा रहा है। आखिर ये UAPA NSA सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? ये मुस्लिम नौजवानों के लिए है? वो अगर जामिया में प्रोटेस्ट करेंगे तो UAPA और NSA लग जाएगा। और आखिर ये तो वो इन्होंने गुनाह किया है जिसने मुल्क को इकतसादी यानी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब कितने लोगों, कितना हमारे प्रोडक्ट, जो लोगों ने हमारे जो कंपनियों के प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया है, उसमें कितना माली नुकसान हुआ होगा, देश की छवि को कितना नुकसान हुआ है। तो असली देशद्रोहिता ये है कि जो मुल्क को माली तौर पे, जानी तौर पे, छवि के तौर पे नुकसान पहुंचा रही है, तो इसको तुरंत दिल्ली पुलिस को UAPA के अंदर इनको गिरफ्तार करना चाहिए।